तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि भाई बढ़िया होंगे। तो भाई मैं विशाल एक्सपेरिमेंट, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले एक मेन बोर्ड बनाने का तरीका। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी घर पर बैठे बैठे मेन बोर्ड बनाए, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो चले। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी हो गई 8x12 की प्लेट और हम बनाने वाले इसी में मेन बोर्ड। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें किट काट 2, जो कुछ ऐसी होने वाली है। उसके से लगाएंगे हम मेन स्विच जो कि यहाँ पे लगेगी। उसके बाद लगाएंगे एक होल्डर जो कि यहाँ पे लगेगी। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे सॉकेट, 2-pin सॉकेट लगेगी एक, और हमारी 5-pin सॉकेट एक यहाँ पे, 3 स्विच, एक 2-pin सॉकेट और एक 5-pin सॉकेट। तो चलिए इसको हम कसते हैं पहले। तो चलिए जहाँ जहाँ होल करना होगा बिल, वहीं पे हम होल करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दो करना होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले करते हैं इसको यहाँ पे होल, जो कुछ हमारी ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे छेदा, उसके बाद हम इसको पहले पेचकस के द्वारा खोल देते हैं। यहाँ पे हमने किट काट को कसी है, अब आइए इसको पेचकस के द्वारा कसने का। तो आपको क्या करना है, टाइट से कस देना है, ये कर देना। चलिए इसको भी हम कस देते हैं। कस दी है, अब बारी है हमारी वायरिंग की। चलिए करते हैं फटाफट से इसको वायर। देख सकते हैं फ्रेंड्स की हमारी रही 1 mm की वायर, जो कि हम इसी से इसका वायरिंग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं वायरिंग। तो हमको पहले सब इसको ऐसे करके खोल देना होगा।
कि पहले हम करने वाले इसमें देखिए हमारी किट कट है उसमें हम वायरिंग सबसे पहले हमको इसमें ऐसे तार घुसाना होगा वायर उसके बाद कटर से हमको यहाँ पे काट इसमें हमको कस देना होगा इसलिए हम फटाफट से कस देते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हमको ऐसे कस देना होगा उसका सिंपल भी जैसे इसमें कस दिए थे उसमें भी ऐसे ही इसको कस देना है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें भी हम कस चुके हैं इस ग्रुप को और ये रही हमारी मेन तार देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी रही मेन तार अब हमको सिंपली क्या करना है फिर हमको इसमें से और इसमें से निकाल के इसमें इस दोनों में वायर में कनेक्ट करना होगा इसलिए कनेक्ट करते हैं इसमें भी इसमें से निकाल के इसको हम कसेंगे अपनी मेन स्विच में चलिए फ्रेंड्स कस देते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारी एक है स्क्रू जो कि हम उसी में कस देंगे फिर आपको स्क्रू इसको टाइट कर देना होगा फिर हम भी जैसे इसमें कसे थे उसे भी ऐसा ही कस देना है चलिए इसको भी हम कस देते हैं तो देख सकते हैं इसमें भी हम कस चुके हैं और अब बात रहे इसमें का तो हम इस दोनों में से तार निकालेंगे वायर निकालेंगे और इसमें कस देंगे चलिए पहले तार को इसमें हम वायर को तो चलिए वायर को इसमें हम लगाते हैं तो सिंपली हमको क्या करना है इसको यहीं पर जैसे हम उसमें किए थे इसको भी हमको उसे खोल देना है वायर खोलने के बाद आप इसमें वायर को डाल के फिर से कस दीजिएगा आपको इसमें सिंपल क्या करना है इसमें इसको कस देना है तो देख सकते हैं इसको यहाँ पे हम कस दिए हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से जो है हमारी इसका क्या करना है यहाँ से हमारी जो तीन स्विच है इसको हमको इसी में शॉर्ट करना है जो कि एक एक ही तार में वायर में देख सकते हैं कि हम ये वायर को छील चुके हैं अब हम लगाते हैं इस तीनों में इस वायर को तो चलिए फ्रेंड्स इसमें लगा लेते हैं कसा चुके हैं इसको हमको यहाँ से वायर को कट करना है देख सकते हैं इसको ऐसे हम घुसा देंगे ये वायर को घुसाने के बाद इसको हम इसमें फिर से डाल देंगे सबसे पहले वायर को हम छील देते हैं देख सकते हैं इसमें हम कस चुके हैं अब हमको क्या करना है अब इसको इसमें और इसको इसमें वायर को कनेक्ट करना है तो चलिए हम इसमें भी कर देते हैं वायरिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स किसको यहाँ पे डाल के और टेस्टर के द्वारा कस दीजिएगा और इसको यहाँ पे ऐसे तार को कट कीजिएगा जैसे जैसे हम कटाएंगे वैसे अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे तो चलिए देख सकते हैं कि इसमें हम इसको
स्क्रूप को कस दीजिएगा। अब रही इसमें कस देना है, तो चलिए लगे हम कस देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स की हमारी हो चुकी है। अब बात रही इसकी, तो इसको हम इसमें कनेक्ट करना है। चलिए इसको हम कर देते हैं कनेक्ट। आपको इसकी स्क्रू को कस देना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको हम इसी में कस देना, जबकि यहाँ हमारी देख रहे हैं एक यहाँ की और एक यहाँ की। देख सकते हैं फ्रेंड्स की हमारी हो गई। बात रही हमारी इस होल्डर की, चलिए होल्डर की भी कनेक्शन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स की हमारी जो वायर है, हमको सिंपली क्या करना है इसमें लगा देना है। और एक तार हमारी की जो कि यहाँ पे डायरेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इसमें से इसमें और इसमें से इसमें आई है, तो इसमें से हम एक तार को जो कि वायर को निकाल देंगे। देख सकते हैं कि हमको इसी वायर में कनेक्ट करके इसमें कस देना है। चलिए फटाफट से कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी बोर्ड अब बन गई है। ठीक है, कनेक्शन करना है हमारी जो होल्डर है उसकी। चलिए फ्रेंड्स उसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले ये खोलना होगा। देख सकते हैं यहाँ भी होल्डर खुल चुकी है। उसके बाद दो जो वायर है इस दोनों स्क्रू में हमको कस देना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स उसके बाद हमको सिंपली जैसे खोले थे वैसे ही हमको फिर से इसको कस देना है। ये हमारी बनकर तैयार हो गई। अब सिंपली इसमें क्या करना है, यहाँ से हमको स्क्रू इसमें कस देना है। तो चलिए स्क्रू हम इसमें कस देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी होल्डर भी अब तैयार हो गई। अब बात रही हमारी मेन स्विच की, तो चलिए हम इसको भी हम इसमें कस देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी अब मेन बोर्ड बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए इसको हम इसमें लगा देते हैं। तो हमारी मेन बोर्ड बन के तैयार हो गई। तो कैसी वीडियो लगी दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।